ये देखो अरे सारी ब्लैक है, सारे कितने प्यारे हैं। तो अब शिनचैन को देखो, वे शिनचैन सुसु करेगा। देखो उसकी पूंछ, देखो पूंछ हिला रहा है वो, देखो उसको प्यार में पूंछ हिला रहा है वो, देखो ये देख रहे हो ये दे... ओ सुसु कर दिया उसने, सुसु कर दिया। छोड़ दो उसको, छोड़ दे, नीचे छोड़ दे। ये ओरियो को अपनी मम्मी समझ रहे हैं, वो देखो ओरियो को अपनी मम्मी समझ रहे हैं। अबे छुप की जा, काट दे बच्चों को। देखो ये लड़ने को आती है वापस, ये देखो देखो मुझे मार रही है। Hey, yo, what's up, guys? क्या हाल चाल। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम पहले आज से 10-12 दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था कि मेरी एक और पग फीमेल है, उसकी डिलीवरी थी, बहुत नेचुरल डिलीवरी हुई थी उसकी, तो उसका एक व्लॉग डाला था। आप मेरे को कमेंट आ रहे कि भाई वो बच्चे कहाँ पर है, तो आज मैं उन बच्चों को घर पर लेकर आ रहा हूँ। और फाइनली एक बात बताता हूँ कि ऐसे ही एक आयरनी है कि एक बार मैगी एक बार ओरियो ऐसे ही एक व्लॉग में आया था, तो और वो फैमिली मेम्बर बन गए। सो लेट्स सी इन बच्चों में से कौन हमारी फैमिली का एक मेम्बर बनता है। तो अभी मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ उनके ओरिजिनल पेरेंट जो उनके जहाँ पे है वहाँ पर, उनकी माँ के पास उनको लेने जा रहा हूँ और घर पर लाता हूँ। और आज रिएक्शन देखते हैं, मैगी का रिएक्शन देखते हैं और ओरियो का रिएक्शन देखते हैं पपीज़ को लेके। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा और मुझे कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पुलकित भाई आपके पास इतने सारे डॉग्स हैं तो इन डॉग्स का खर्चा जो है आप वो कैसे निकालते हैं। तो जैसे ही इन डॉग्स का जितना भी एक्सपेंस रहता है वो मैं गालता हूँ बानो में ऐप से ट्रेडिंग करके। तो बानो में ऐप से ट्रेडिंग करना बहुत आसान है और उससे पैसे कमाना तो उस पर ज़्यादा आसान है। तो अगर आपको नहीं पता कि बानो में ऐप से ट्रेडिंग कर पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बानो में ऐप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे एक प्रोसेसिंग विंडो बनी आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बना आ जाएगा। तो हमारे को बेसिकली क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है डिपॉजिट का ऑप्शन है, हमारे को सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो मनी है डिपॉजिट करनी होती है। और जब हम यहाँ पर डिपॉजिट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को जो है डिफरेंट जो है पेमेंट मेथड हमारे को यहाँ से चूज़ करना होगा और हमारे को अपनी पेमेंट ऐड करनी होगी। और हमारे पास यहाँ पर एक टाइम टू बाय का काउंटडाउन चल रहा था जिसके बीच में हमारे को जो है अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे प्रेडिक्ट करना है एक ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ, जैसे कि देख सकते हैं रियल अकाउंट में मैंने पहले ही पैसे ऐड करके रखे हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर सिंपली प्रेडिक्ट करना है ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर पहले ही आपको एक कस्टमर केयर का सपोर्ट का सिस्टम दिया जाता है जो 24/7 है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ ये ग्राफ है जो यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर अभी अपने जो है 7,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है पैसे जो है कमा लिए हैं और अब मैं सिंपली जो है इसको जो है विड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है बायनो में ऐप से पैसे कमाना। तो आपको क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको बायनो में ऐप को डाउनलोड करना है और पैसे कमाने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इनकी इसकी भाइयों को और बहनों को लेने, ठीक है। तो जल्दी से जाते हैं, उन बच्चियों को लेकर आते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं उस जगह के लिए, इनके घर के लिए। और ये देखो ये यहाँ पर लड़ रहे हैं अभी भी आपस में, देखो ओरियो और मैगी। तो हद है भाई इनकी, इनके अभी कजन्स आएंगे। क्यों लड़ रहे हो। तो आज यहाँ पर मानित भी आया, मानित सुपरमैन की टी शर्ट पा के बैठा, आज सुपरमैन बना हुआ। ओ बे भाई कम लड़ा करो। मैगी कौन सा कम है, मैगी भी बिल्कुल कम नहीं है, मैगी भी पूरे पंगे लेती है। देखो अब बड़ी हो गई है ना मैगी इस करके, देखो। तो ये देखो ये रहे पपीज। और अभी फिलहाल यहाँ पे आपने लोकेशन पहले भी आपने यहाँ पर व्लॉग देखा है, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में भी व्लॉग आ रहा है, तो इनका व्लॉग आया हुआ। ये देखो आराम से मस्त सोए पड़े हैं, क्या हाल चाल। अभी यहाँ पर थोड़ी लाइट कम है तो इनको घर पर लेकर चलते हैं पेटी के अंदर ही, और घर पे ले जाके इनको आराम से मैं आपको एक एक करके सारों से इंट्रोड्यूस करता हूँ। इनको ले आया, देखो काले काले से हैं इस बार तो सारे। वैसे होता है कि एक ना एक ब्राउन पपी ज़रूर आता है, मैगी भी उनमें से एक थी, बाकी मैं वो देखो मैगी इधर आओ। लो जी ये देखो अरे सारी ब्लैक है, सारे कितने प्यारे हैं। हाँ अच्छे लगे। रुक जा। तो ये देखो एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये तीन मेल एक फीमेल है, तो एक मेल ये है। हाँ जी ओरियो ये देखो, ओरियो के भाई। ये एक फीमेल है, इनमें सिर्फ एक सिंगल फीमेल है, ये ओरियो की बहन है। ये भी एक ओरियो का एक भाई है ब्लैक में ही। तो ओरियो देखो ओरियो को काट रहा है। ये एक ओरियो का एक और भाई है। ये देखो काले काले डॉग हो गए। तू भी देखो मैगी भी आ गई। मैगी ये देख रहे हो ये ओ सुसु कर दिया उसने, सुसु कर दिया। छोड़ दो उसको, छोड़ दे नीचे छोड़ दे, इसको इधर कर दे, भाग रहा है देखो।
सुसु कर दिया इसने। मैगी तो मेरे साथ ही रहना पसंद करती है हमेशा, मैगी तो मेरी चमची बन के रहती है जैसे। तो ये देखो कितना, अभी हम इनके पिताजी को भी खोलने वाले हैं, तो देखते हैं पिताजी का इनके रिएक्शन क्या रहता है। देखो मैगी को देखो, हाँ मैगी आप भी ऐसे ही आए थे जैसे ही आए हैं ना थोड़े टाइम पहले, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले आप भी ऐसे ही आए थे। आपका भी व्लॉग है अगर किसी ने नहीं देखा तो आई बटन में भी आ रहा है। तो फाइनली शिनचैन इनके पिता श्री जेयर, हाँ जी बेटा इस बार तो बड़े हेल्दी हेल्दी पप्पीज हुए हैं, मतलब इनकी मम्मी ने बहुत अच्छी, और जिन्होंने जिनके घर तो देखो बहुत अच्छी केयर कर रहे थे। तो ये सारे पग्स ही पग्स हो गए, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं पग्स के साथ इतना ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। तो जब भी मेरे डॉग के पपीज़ होते हैं, ओरियो के शिनचैन के पपीज़ होते हैं, तो मैं एक बार ज़रूर उनको शिनचैन को घर पे मिलाने लाता हूँ, और मैं वो चीज़ कैप्चर करता हूँ आपको व्लॉग बना के। तो क्योंकि मेरे लिए एक मोमेंट ही है अपने बच्चे, मेरा जो डॉग्स हैं उसके बच्चों को, क्योंकि आगे जाके ये जैसे मैगी की एक पूरी वीडियो है, ओरियो की एक बचपन से वीडियो है, ऐसे मैं चाहता हूँ इन बच्चों की भी, हर बच्चा जो मेरे लाइफ में आए, हर पपी जो मेरी लाइफ में आए उसकी एक ना एक वीडियो। देखो तो सुसु करे जा रहे हैं, अब इनको यहाँ से शिफ्ट करते हैं क्योंकि सारा गीला हो गया। तो मानित कैसे लगे? अच्छे लगे। इनको गोदी में उठाइए, एक को इसको उठाइयो, ये देखो भाई बदल में। हाँ मानित, फिर मैगी हम रख ले, मतलब मैगी की जगह तेरे को ये दे दे। नहीं तो मैगी आजकल इस मैगी का ध्यान मानित रखता है हर टाइम, मैगी को घर ले जाता है अपने, मैगी उसके साथ, मैगी को इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैगी पर फिर भी मेरे साथ ही घूमती रहती है हर टाइम। ओरियो को तो पता नहीं कैसा प्यार चढ़ गया है भाई। ओरियो ओरियो देखो उसकी पूंछ, देखो पूंछ हिला रहा है वो, देखो उसको प्यार में पूंछ हिला रहा है वो, देखो छोटा सा। ओरियो कहता है मेरे को छेड़ने दो। तो ये तो चलने भी लग गए हैं हल्का हल्का, देखो अभी ये ऑलमोस्ट 15-16 दिन के हैं। अरे भाई क्यों मार रहे हो बच्चों को, ये बड़े ना बड़े डोमिनेट करते हैं जब भी कोई बच्चा आता है। ऐसे ही मैगी का टाइम होता था, ओरियो तो शुरू से ही शरारती है। ओए ओए छोटू, वो देखो उसके ऊपर चढ़ रहा है। ओए छोटू देखो इकट्ठे, भाई साहब इतने सारे पग, वो उसको अकेला क्यों छोड़ा हुआ है। एज ऑलवेज इनके साथ ही मैंने एक फोटो लिया जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, इनके साथ थोड़ा सा खेलता हूँ और आपको बताता हूँ, इनका एक एक करके बताता हूँ कि इनकी लाइक क्या ये पपी फॉर सेल है या क्या इनके, मतलब अगर सेल के लिए है तो कितने के लिए, वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो जल्दी से अभी मैं बताता हूँ और बताता हूँ कि अभी मैं इनको क्या डाइट दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये 16-17 दिन के हैं और ज़्यादा ही है, 16-17 दिन से एक दो दिन ज़्यादा ही हुआ, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे उसकी डेट लगा के आइडिया लगा लेंगे बच्चे आज कितने दिन के होंगे। वो देखो ओरियो को देखो, ओरियो ओरियो को ना अपनी मम्मी समझ रहे हैं लगता है मुझे ऐसा। ओरियो ओरियो ये ओरियो को अपनी मम्मी समझ रहे हैं, वो देखो ओरियो को अपनी मम्मी समझ रहे हैं अबे ओरियो। तो बट ओरियो तो भाई बहुत तेज है, वो देखो जब ओरियो छोटा आया तो ओरियो शिनचैन के साथ ऐसा करता था, मैगी भी शिनचैन के साथ ऐसा करती थी, ये भी करते हैं, इनका भी बनता है। ये देख इनको देख भाई, मैंने एक फोटो खिंचवा रहा था थंबनेल के लिए, और ये देखो ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये देखो क्या हरकतें। ये ना एक तो ब्लैक है, मेरी जीन्स भी थोड़ी डार्क है, इस करके इन्होंने दिखना है, तो हमने क्या करा, हमने टॉवल रख लिया। तो ये देखो भाई, अच्छा मैं क्या करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो इसका नाम मैं सोच रहा हूँ, ये बब्बर शेर है, तो इसका नाम सोच रहा हूँ ऐसा कुछ रखते हैं, शेरा शुरा टाइप कुछ है ना, या इसका नाम रखते हैं मफिन। मफिन एक्चुअली ब्राउन कलर का होता है, मेरा एक बहुत मन है कि मफिन रखूँ किसी डॉग का नाम। तो अब मैं क्या करके इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये हमारा मेल है ठीक है, और इसके बाद ये हमारा दूसरा मेल है, इसका नाम हम सोच रहे हैं, ऑडियंस बताएं, बिल्कुल सही बात है मम्मी की, ऑडियंस बताओ नेम क्या रखें। और ये तीसरा मेल है, इसका बताओ क्या नाम रखें, और फीमेल हो देखो 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 ओरियो, और वो देखो प्यार कर रहे हैं, इसको भूख लग रही है। भूख लग रही है, आओ देखो 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 ब्लैक दोनों के दोनों, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ओए क्या कर रहे हो। तो अब शिनचैन को देखो, अबे शिनचैन सुसु करेगा शिनचैन को ना खोल दो, ये हर जगह सुसु कर, ये देखो ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है, ये तो यहाँ पे आराम से बैठा है। हाँ जी चले आपको घर छोड़ा है, वो देखो अब तुम सब कहते हो शिनचैन को खुलना नहीं, ये देखो शिनचैन ने कर दिया सुसु, अभी कर दिया शिनचैन ने वो काम। ये देखो मैगी, तू शिनचैन से कम है, तू ओरियो से कम है,
क्या खिला रहे हैं आप इसे? मैं बताता हूँ। तो फिलहाल जो है मैं इनकी डाइट के बारे में बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट आज मैंने आपको बताया कि डेट एग्जैक्टली मुझे नहीं अभी याद आ रही, तो ये इनको अभी चल रहा है फिलहाल मदर जो है इनकी फीड कर रही है, और साथ ही साथ हमने इनका जो बच्चों को सेरेलैक होता है वो सेरेलैक हमने इनको स्टार्ट किया है। एक बॉटल मतलब दो टाइम दिन में हम पिला रहे हैं और मदर फीड चल रही है, जिससे कि अच्छा रिजल्ट है। सेरेलैक से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जो नेस्ले का सेरेलैक है। आप पपी को ध्यान से देखो, कितनी नोज़ कितनी अंदर है इसकी, इसकी टेल देखो कितनी राउंडेड है, जो प्योर पग होता है, ठीक है आप। और इसके बोन देखो कितनी हैवी है। ओरियो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आया था, अगर आपने वो ओरियो तो एक हाथ में आ जाता तो अभी से ही एक हाथ में नहीं आ रहा है। देखो ओरियो तो पूरे एक मंथ का एक हाथ में आ जाता था, ओरियो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। और प्योर है, देख सकते हो चेस्ट पे कोई पैच नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये देखो बिल्कुल हेल्दी है। और ऐसे ही पपीज़ होने चाहिए। जो मुझे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई पग की क्या क्वालिटी है, तो मैं यही बता रहा हूँ। और डाइट आप बेसिकली आप ऑलमोस्ट 40 दिन तक तो आप, मैं यही कहूँगा कि आप सेरेलैक ही चलाए पपी का, है ना। उसके बाद आप पपी को मदर स्टार्टर फीड दे सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है उसके लिए, है ना। तो ये मान्यता मान्यता इसका नाम रख क्या रख रहे हैं? डोरेमोन। खुद तो डोरेमोन जैसे है ये, गोलू गोलू सा, और डॉग का नाम रख रहे हैं डोरेमोन। तो चलिए एक का नाम हमने रख दिया, इसका नाम है डोरेमोन। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार आप शिनचैन कार्टून और गाने के ऊपर क्यों नाम रखते हो? यार ऐसे पग है यार, ये टॉय ब्रीड है, लगना चाहिए कि टॉय का नाम रख रहे हैं। अगर मैं इसका नाम रख दूं लॉयन रख दूं टाइगर रख दूं, ये सूट नहीं करने वाला, ठीक है। अगर और कोई ब्रीड होगी जर्मन शेफर्ड होगी तो हाँ मैं समझ सकता हूँ। बाकी अब आप क्या, आपका काम क्या है, एक मेल एक फीमेल का आपने मुझे नाम सजेस्ट करना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम बताओ और वीडियो कर दो लाइक। और अभी मैं फिलहाल इन बच्चों को घर लेकर जाता हूँ इनके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप माँ से दूर, मैं नहीं रखना चाहता इनको, अभी छोटे हैं। तो अब इनको इनकी माँ के पास छोड़ कर आते हैं, फिर आकर आपसे कुछ बातें करते हैं। मैगी बेटा ये देख लो, आप भी ऐसे ही इतने ही आए थे, इतनी ही आपकी भी एक वीडियो बनी थी, आप भी इतने ही आए थे, और अब ये देखो काटते हैं बच्चों को मुझे मार रही है, काटते हैं बच्चों को वो क्या कर रहा है मानी थी। तो आप में से मेरे को लास्ट में एक बात बतानी थी कि इन बच्चों को मैं सेल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली मैं एक बार बताऊँ कि इन बच्चों को मैं सेल नहीं कर रहा, और ना ही मैं सेल करता हूँ ना ही मैं प्रमोट करता हूँ। मैं वैसे अडॉप्शन को ही ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ कि अगर आपको कोई डॉग मिलता है स्ट्रे डॉग आप उसको अडॉप्ट करें। बट ये क्या है, ब्रीडिंग करवाई है, तो अब बच्चे जो है इनको मैं घर पर ही रखूँगा, मोस्टली मैं अपने रिलेटिव्स को दे देता हूँ बच्चे जो हैं आगे, ठीक है। और कोशिश करता हूँ ये बहुत अच्छे घर में जाए, और बिल्कुल देख कर मैं देता हूँ कि कोई बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है, इनकी डाइट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो इस सेल मैं इनको नहीं कर रहा। और अगर आप पूछते हैं कि इस क्वालिटी का पपी कितने तक मिल जाता है, तो यार पग जो ऑलमोस्ट है 8000 से लेके 15, 16, 20, 30,000 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड डिपेंड्स ऑन द पेडिग्री। विद पेपर पपी होता है या जैसे भी होता है, ये सारी सॉरी टेक्निकल टर्म्स हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएंगे। तो ये पपी वैसे सेल के नहीं ली है। सो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आपको बहुत टाइम से मैसेज आते कि भाई ओरियो का है, तो आज फाइनली मैंने ओरियो और मैगी को दोबारा से ब्लॉग में ले आया हूँ। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बच्चों का नाम जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।